मुमताज अवामी समाजी रहनुमा यूनुस खान केटीएस निहायत फाल व हरकियाती शख्सियत के मालिक हैं। वो हमेशा अवामी फलाही समाजी दीनी इमदादी कामों में पेश पेश रहने के साथ साथ गुलबर्गा से एक मजबूत व बेबाक मिल्ली क़यादत को उभारने के लिए बड़े फिक्रमंद और मुसलसिल कोशां रहते हैं। इसी फिक्र को लेकर उन्होंने एक जर्नल मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में साबिका कॉरपोरेटर्स, डिफिटेड कॉरपोरेटर्स और आने वाले गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन इंतखाबात के उम्मीदवार ने शिरकत की। यूनुस खान साहब केटीएस की जानिब से तलब की गई इस जनरल मीटिंग में तमाम पार्टियों के साबिक डिफिटेड कॉरपोरेटर्स और आने वाले इंतखाबात के उम्मीदवार ने शिरकत की और अपनी अपनी राय दी। इस मीटिंग में यूनुस खान साहब केटीएस ने अपनी अवामी सियासी जिंदगी की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि इन्हें किन किन मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ा। यूनुस खान केटीएस ने बताया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए क्या मकासिद अजायम और हिकमत अमली रखते हैं। यूनुस खान साहब केटीएस ने इस मौके पर कहा कि वो चाहते हैं कि गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इंतखाबात में अच्छे बासलाहियत और शहर व अवाम के मफाद में काम आने वाले कॉरपोरेटर्स मुंतखब हों और गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इंतखाबात में सियासी बसीरत व बेहतरीन हिकमत अमली के साथ काम किया जाए। पर जो भी पॉलिटिकल हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो आए हैं और जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने और जो भी महिले वाले हैं या मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त हैं जो भी मेरे पॉलिटिकल कैरियर को लेके सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पर आए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिलहाल मैं ये पूरा क्लियरेंस करता हूँ कि शुरू से सियासत कैसा चल रही। मैं फर्स्ट बैकग्राउंड काम करता था सियासत में, जो भी कॉरपोरेटर बनना चाहता है तो उसको मैं फाइनेंशियली हेल्प किया हूँ। आज से नहीं, कई 10-15 साल से कर रहा हूँ। मेरे कहने पे कई कॉरपोरेटर रिजाइन भी करे, उनके नाम मैं अभी बताना चाहता हूँ, तालुका लेवल पे भी और सिटी लेवल पर भी। जब तक कमरुल इस्लाम साहब थे, कमरुल इस्लाम साहब के साथ मैं खुल के ऐसा सामने कभी काम करने नहीं आया। कमरुल इस्लाम के जो भी छोटे मोटे काम भी रहते थे तो बगैर कोई फाइनेंस लिए उनका काम अंजाम कर रहा हूँ। और उनसे कई बार कमरुल इस्लाम साहब ही उनके जो पांजे है, आदिल साहब है या कोई भी है, उनसे बोले कि खान साहब आप इतना करें सर, ये पैसे रखो। मैं कमरुल इस्लाम साहब को यही बोलता था, साहब मेरे को ज़रूरतमंद नहीं, मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ पैसों का। जो ज़रूरतमंद है, जो जिसको ज़रूरत है उनको दो। मेरे हाथ से जो ताकत है मैं वो आपके खिदमत में कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को आपका सपोर्ट है। पर्सनली तो घर को आके कोई उनको सपोर्ट नहीं दिए, लेकिन उनके नाम पर हम सपोर्ट लिए सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं एक खेड़े गांव से शाबाद से ताल्लुक रखता हूँ। शाबाद में भी उनका नाम लेके हम एक वजन पैदा करते थे हर चीज़ में। कोई भी काम करते थे कॉरपोरेशन में, लास्ट में बड़ा इशू होता था हम वहाँ पर जाने की एक हिम्मत रहती थी, वहाँ पर हम पहुँचते थे नहीं, उससे पहले हमारा काम होता था वो लेके। फिर आने वाले MLA जो पिछला MLA इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में कमरुल इस्लाम साहब का इंतकाल होने के बाद मैडम इलेक्शन नए लड़कों बोले थे, इलेक्शन नहीं लड़ता बोलने के बाद मैं 2 बार उनके घर पे भी गया था। मैडम आगे काम और रास्ता बताओ, गुलबर्गा को ज़रूरत है एक लीडरशिप की और मुस्लिम लीडरशिप की, तो क्या करेंगे बोले तो कोई भी जवाब नहीं दे, नहीं बोले। फेब्रवरी के महीने में मैं जनता दल नासिर उस्ताद का साथ देना बेहतर समझा कि एक आदमी की ज़रूरत है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं आपको। तो नासिर भाई का मैं ये इलेक्शन में खुल के साथ दूँ, तन मन धन से साथ दूँ, और कोई ढगलापन नहीं क्यों कोई बोले बाद में। उसके बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब कांग्रेस में जब मेरे को लेके गए थे तो मैं एक ही कंडीशन रह गया था कि भाई मैं मेरा काम लेके आपके पास कभी नहीं आऊँगा। मेरे पीछे जो चाहने वाले रहते या मेरे साथी रहते उनका काम लेके आऊँगा, तो आप उनका काम करना। मेरा पर्सनल काम रहा था, मैं क्या भी करके मेरा काम कर रहा था, मेरे पीछे वाले का काम करना बोले ज्वाइन किया। और कांग्रेस के MP इलेक्शन में एक बगर कोई एक रुपया लिए कि पूरा शाहबाद के आधे से ज़्यादा हिस्सा मैं संभालूँ और पोलिंग परसेंटेज भी 2% बढ़ा के दूँ कांग्रेस को। ये हकीकत है शाहबाद के। और जितने भी प्रोग्राम करे जो भी अरेंजमेंट है कोई पैसा नहीं लिया मैं उस पर। तो लास्ट बोलने का कहना यह है कि पैसा नहीं लिया बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इतना जब हम कर रहे। अब एक भाई मेरा आया, मेरा एक काम है भाई, मेरे को एक टिकट की ज़रूरत है, तो मैं उनको जाके बोला तो कुछ भी असर नहीं हो रहा हमारा। तो ऐसे पार्टी रहे ये जब काम करते हैं तो हमारी भी कुछ
उसको रेस्पेक्ट रहना, ना करने वाली की रेस्पेक्ट है, ना पीछे जो सपोर्ट करते हूँ मेरे उनकी भी रेस्पेक्ट है। तो ऐसा पार्टी से मैं एकदम बेजार हुआ कि लास्ट में एम आई एम ज्वाइन किया था। एम आई एम ज्वाइन करने के बाद भी ऐसा हो गया, वो आपस में भी बहुत से हमारे जो साथी थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके साथ भी हमारा काम करने का उनके काम करने का तरीका अलग था और दोस्ताना था। तो ऐसा डिस्टर्ब हो गया, बोले भाई बाद में नको भाई ये भी काम करने का, अच्छा खासा मैं डेवलप करना शुरू किया था मैं एमआईएम को भी। तो ये तीनों पार्टी को भी देखा और नासिर भाई के साथ भी मेरा क्या हादसा हुआ छोड़ने की वजह वो भी क्लियर कर। नासिर भाई को मैं शाहबाद से 40 क्रूजर भर के आए थे, शाहबाद में कॉरपोरेशन इलेक्शन था, तो अब मैं नासिर भाई का काम कर रहा हूँ तो मैं नासिर भाई को पूछना पड़ता मेरे को, ये 40 आदमी है हमारे कॉरपोरेशन टिकट होना जनता दल से पूछा, मैं किसको पूछूंगा? तो नासिर भाई को मैं पूछा, नासिर भाई ऐसा ऐसा कॉरपोरेशन के वैसे आए मेरे को 40 देने में से 2-4 तो देना पड़ता, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं तो मैं कहीं को ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो मेरी इज्जत नहीं रहती। मैं बोला सीधा सीधा बात करें, वो बेडंगी को उसको लाइन पे लिया, 2 सीट की तय हो गया। दूसरे दिन लास्ट डेट था, कोई फॉर्म नहीं मिला। मैं बोला जब मेरी इज्जत नहीं है तो मेरे पीछे वाले की भी इज्जत खत्म हो गई। मैं बोला नासिर भाई मेरा अच्छा नहीं होता, जब तुम हम मेरे को अकेले को नहीं समझ सकते तो पीछे वाले क्या, ये वजह से मैं जनता दल छोड़ा। तो आगे मैं चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, कॉरपोरेशन इलेक्शन से मेरे से क्या फ़ायदा होता है, तो मैं आप मेरे से फ़ायदा ले सकते हैं आने वाले फ्यूचर इलेक्शन में। मैं इंशाल्लाह लड़ने वाला पक्का हूँ, इंडिपेंडेंट जनता दल कांग्रेस, कांग्रेस में भी मेरी बात हो गई कि मेरे को साउथ से टिकट दे दिया, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाओ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीसीसी प्रेसिडेंट क्यों बना? मैं बोला हमारा इन्वॉल्वमेंट अंदर होना ऑफिस में, बाहर हम आके फरारी दिया झंडे दिया जय वागली नहीं बोलते इतने दिन, बोले मेरी कैपेसिटी है, मैं ऑफिस में बैरियर से मेरे को डिस्कशन में चाहिए, मैं खाली बाहर आके काम नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत है और हो सके तो मैं दूसरे कैंडिडेट को भी संभालता हूँ, बोल के भी बोलूँ ये भी बोलूँ मैं। तो यहाँ तक बात हो गई है, जनता दल में भी बात हो गई थी, सीएम इब्राहिम साहब के पास गया था मैं 4 दिन बेंगलोर में, तो वहाँ पर भी वही बोले कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम को देता हूँ देवगढ़ा साहब और साउथ की टिकट आपको देता हूँ, बोले कन्फ्यूजेशन यह क्या है, बोले तो अब मैं जाके लेकर आके मैं आओ बोले तो नहीं होने वाला है। नहीं खान साहब, आप पॉलिटिकल में अभी नहीं है, आप किसी का सपोर्ट करो उसके लिए भी तैयार हूँ आज में, अगर नहीं आप आगे बढ़ो हम सब साथ देते बोले तो मैं एक पार्टी भी ज्वाइन करने को तैयार हूँ। नहीं आप फिलहाल कॉरपोरेशन है, मेरा इलेक्शन नहीं है, अभी 2 साल है, 2 साल के बाद 2 साल है, आप फिलहाल कॉरपोरेशन इलेक्शन में मेरे से जो मदद हो सकती है मैं करने को तैयार हूँ, बाकी का आपका ओपिनियन क्या देना है दे सकते, ये मेरी सियासत का पूरा खुलासा करूँ। मैं नाराज़ हूँ पॉलिटिकल लीडरों से, पार्टियों से, पैसा जाने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा, और सही ऐसा ये भी मेरा सोचना है कि जब ये जो बीजेपी सरकार मुस्लिम हिंदू जो लड़ा रही वो सा मेरा एम नहीं है, मेरा सेकुलर जहन है और सेकुलर के हिसाब से ही मैं चलने वाला हूँ, ऐसा मेरे को मुसलमान ही होना नहीं, ऐसा खाली हिंदू नहीं होना, ऐसा सब कास्ट को लेकर चलने का मेरा एम, और मैं हर गांव में हर तालुके में मेरा अंदरूनी जो भी काम है मैं यहाँ से लेकर बीजापुर तक भी काम करता हूँ, हर छोटे से खेड़े में भी मैं काम करता हूँ, लेकिन बताया नहीं मैं। यहाँ नाराजगी आ रही है बोले तो बस जब हम एक का काम लेके जा रहे, आज मेरे को 4 आदमी को 4 अच्छा कैंडिडेट है, एक तैयार है, ये तैयार को ये वार्ड में एक भी घर में जाके आप पूछ सकते हैं कि तैयार वही का कैसा है, बोले तो सब बोलेंगे अरे अच्छा है, आज उनका रिजर्व करके कर दिए उनका एरिया। भाई कई बार बोले उनको देखो भाई आप बड़े पोस्ट पे अहदे पे आप इनका एक जनरल कराइए, नहीं वो रोटरी सिस्टम में होगा हमारी हुकूमत नहीं है, बोले कई जगह मैं भी इनका सिफारिश लेके गया, ऐसा कोई भी मेरे को अप्रोच हो गए दूसरे, अब हमारे नजीर भाई के भी यही वार्ड से उनके भाई का उसका भी है, तो ठीक है भाई सबका बैठ के हम डिस्कस करके क्या भी कर सकते हैं, एक जगह पे 4 कॉर्पोरेटर भी होते हैं, 4 भी हमारे भाई है, वो 4 को आप डिसाइड करो, मेरा 4 को भी सपोर्ट खुला है। जितने के बाद बता रहे थे कि आपकी शिकायत पार्टीज और लीडर्स से है, जितने के बाद वापस वो कॉर्पोरेटर उन्हीं लीडर्स के अंदर में काम करने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, वो कॉर्पोरेशन के बारे में, कॉर्पोरेशन में ये बार हमारी खास करके नॉर्थ बेल्ट और साउथ बेल्ट में इतना बैलेंस से करे सो है, अभी मेरे भाई बोल रहे थे कोई तो मेयर डिप्टी मेयर मुस्लिम के जगह पे नॉन मुस्लिम करना है, मैं वो बात पे सहमत रखता हूँ, ये बार मेयर का ध्यान उनका उस पर है, बीजेपी का मेयर होगा वो जोर है, वो बीजेपी का मेयर नहीं आ ना बोल के मैं इसमें खुल के आ रहा हूँ।
मेरा इसमें कोई भी ये नहीं है, मेरा तो इलेक्शन 2 साल के बाद।